Hello dear viewers, welcome back to my YouTube channel MuskanMani13 and if you are new, so please don't forget to like, share and subscribe and if you have any doubts, so leave them below in comment section. So today I am packing one of my international parcel and is parcel mein kya kya products jaane wale hai and ye order kahan ka hai. So you will know in the video, so don't skip the video at all, watch it till the end. सो फटाफट से सारे ही प्रोडक्ट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक ही जगह पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई प्रोडक्ट मिस ना हो जाए. सो जैसे कि मैं इंटरनेशनल पार्सल पैक कर रही हूँ, सो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि सारे ही प्रोडक्ट वेल पैक्ड हो ताकि कोई भी डैमेज अगर ना हो वाइल ट्रांजिशन, क्योंकि इसकी जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है. फॉर इंटरनेशनल पार्सल इट टेक्स एटलीस्ट 12 to 14 days फॉर डिलीवरी. तो हमें पैकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि सारे ही प्रोडक्ट अच्छे से पैक हो. सो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे से पैक हो. सो सारे ही प्रोडक्ट माशाल्लाह से मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब इन्हें हम पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं. सो सारे ही प्रोडक्ट्स को हमें इंडिविजुअली पैकिंग करना है, एक अलग अलग सभी का पैकेट बनाना है ताकि हमें पता चले कि कितना ऑर्डर्स था और कोई चीज़ मिस ना हो. सो सबसे पहले मैं पैक कर रही हूँ अरथ नेल कोन, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है. इसे आपको एटलीस्ट 3 times अप्लाई करना है आपके नेल्स के ऊपर ताकि बहुत ही माशाल्लाह डार्क स्टेन आ जाए. और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, जल्दी फेडअप भी नहीं होता है अपने नेल्स पर से. आप जब तक कट नहीं करोगे ना आपके नेल्स, ये जब तक आप इसका स्टेन आपके नेल्स पर रहेगा. सो उन्होंने 20 नेल कोन्स ऑर्डर की थी. एक्चुअली वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे आई थिंक, ये मैंने पूछा नहीं था उनसे, बट ये मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि जितनी क्वांटिटी उन्होंने प्रोडक्ट्स की रखी है ना, तो मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि शायद वो अपना न्यू बिज़नेस कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं. अगर ऐसा है सो आई विश यू गुड लक फॉर हर. और ये हमारे नेल कोन पैक हो चुके हैं. अब हम दूसरा पैकेट में हम पैक करने वाले हैं रूबी रेड नेल इंजेक्शन. ये भी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, बट पता है क्या इसका क्या होता है, आप इसे फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हो ना, अगर आप एक बार ही नेल पर लगा रहे हो तो इसका एक बार में ही स्टेन इतना बढ़िया आता है, बिल्कुल भी डार्क होता है. और इसका जो रूबी रेड कलर होता है तो वो ना मरून होता है ना टोटली चेरी रेड होता है, ये रूबी रेड होता है. आप मेरे नेल्स पर देख सकते हो, मैं यही यूज़ करती हूँ. ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और 1 or 2 hours में ही इतना प्यारा स्टेन दे देता है. सो लेट्स पैक 20 आफ्टर केयर ऑयल. ये 100% हलाल है, फ्रेंडली फॉर वजू है. ये आपने जो आप ऑर्गेनिक मेहंदी कोन यूज़ करते हो ना, इसे जब यूज़ करना होता है. अगर आप स्टेंसिल यूज़ कर रहे हो ना तो आफ्टर केयर ऑयल को पहले यूज़ नहीं करना है, बट अगर आप स्टेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हो ना, सो फर्स्टली यू अप्लाई दिस ऑयल एंड देन इसके ऊपर मेहंदी लगाना होता है. एंड आफ्टर जो मेहंदी सूख जाने के बाद आप उसको झड़ा दे हो ना, देन उसके बाद भी ये ऑयल लगाना होता है. इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डार्क और रिच स्टेन आता है मेहंदी का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. और जो डार्क मेहंदी लवर्स होते हैं ना, उनके लिए तो नेसेसरी है ये ऑयल. एंड नाउ आई एम पैकिंग 20 आफ्टर केयर बाम. ये पर्पल कलर के शेड में अवेलेबल है और उन्हें 20 पीसेस चाहिए थे, जो कि ऑर्गेनिक कोन के साथ नेसेसरी होती है सारी चीज़ें, लाइक आफ्टर केयर ऑयल, बाम एंड हेना सीलेंट. शायद उन्होंने सीलेंट ऑर्डर नहीं किया, मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, वरना मैं उन्हें ज़रूर सजेस्ट करती, बिकॉज सारी ही चीज़ें नेसेसरी है फॉर गुड स्टेन ऑफ ऑर्गेनिक मेहंदी कोन. आप मेरे पोस्ट में देखते होंगे ना कितना ज़्यादा डार्क स्टेन होता है मेरे हाथों में, तो मैं ट्रस्ट में अपनी मेहंदी की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, सारे ही प्रोडक्ट को सही से यूज़ करती हूँ, जब जाकर वो इतना अच्छा स्टेन आता है. ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने ऑर्गेनिक कोन लगा लिया, 2-4 hours में निकाल लिया और कुछ ध्यान नहीं दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें अपने थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है. सो नाउ आई एम यूजिंग इंस्टेंट हेना डिम, जो मरून कलर में अवेलेबल है, और मैं अपनी सारी ही वीडियो में ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका स्टेन माशाल्लाह इतना नेचुरल लगता है ना, कि लगता ही नहीं आपने ऑर्गेनिक लगाया है या इंस्टेंट लगाया है. एंड एज इट इज़ इंस्टेंट, सो इट डजेंट मीन कि ये हलाल नहीं है. सो ऑल माई प्रोडक्ट्स आर 100% हलाल फ्रेंडली फॉर वजू, केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी थिंग कि ये सूटेबल होगा या नहीं स्किन के लिए, तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए सूटेबल है.
सो आप देख सकते हो बातों ही बातों में मेरे कितने सारे प्रोडक्ट्स पैक हो चुके हैं। और ये लास्ट बचा है हमारा ऑर्गेनिक मेहंदी कोन, ये भी उन्होंने 20 पीस ऑर्डर किया था, तो मैं इसे ट्राई करूंगी कि इस जो मेरी बैग है इसमें आ जाए ये सारे ही कोन, आई होप सो। सो देखते हैं। और माशाल्लाह सारे ही कोन मेरे आ भी गए, मैंने 15 और 5 की बैच में इसे एडजस्ट किया है ताकि एक ही पैकेट में सारे ही कोन आ जाए, ताकि अलग अलग पैकेट्स मुझे बनाना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है ना, कस्टमर जो क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो उन्हें अगर वो ही सारे प्रोडक्ट एक पैकेट में मिल जाए ना, तो काउंटिंग के लिए उनके लिए भी ईजी होते हैं। और हम जो वीडियो बनाते हैं रिकॉर्ड के लिए, कि हमारे पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने क्या सेंड किया है, तो वो हमारे काउंटिंग के लिए ना हमारे लिए भी बहुत ईजी होता है। एंड माशाल्लाह से आप देख सकते हो सारे ही प्रोडक्ट्स के पैकेट रेडी हो गए और ये कितने प्यारे लग रहे हैं सारे ही पैकेट्स। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर कोई बल्क क्वांटिटी में या कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को करते हैं ना ऑर्डर, तो पैकिंग में भी मज़ा आता है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये सारे पैकेट्स। एंड उनके स्टेंसिल्स भी थे, शायद वो वीडियो में इंक्लूड करना भूल गई थी। और उन्होंने 20 चेरी रेड नेल पॉलिश एंड 20 मरून नेल पॉलिश भी ऑर्डर की थी, तो ये एक्चुअली ये पैकिंग ना शिपाने की थी, तो मैं इसका रिकॉर्ड करना भूल गई थी। जो मैंने पैकिंग किया है मैंने बस उसी का वीडियो शूट कर लिया। सो हमारे जितने भी पैकेट्स हमने पैक किए थे, नाउ इट्स टाइम टू फिक्स दीज इन दिस बॉक्स। ये बॉक्स मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, यू नो दैट के सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक सूटेबल बॉक्स ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तो सारे ही प्रोडक्ट को अच्छे से हमें इस बॉक्स में फिक्स कर देना है एंड इट्स रेडी टू फ्लाई टू फ्रांस। एंड यस, इफ यू वांट टू ऑर्डर एनी हेना प्रोडक्ट एंड हेना स्टेंसिल, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन अ गिवन डिटेल। वी शिप आवर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन इंडिया, यू विल रिसीव बाय कुरियर सर्विस। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अवर स्मॉल बिजनेस। एंड इफ यू लव दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड एंड प्लीज आस्क देम टू सब्सक्राइब माय channel and support for growing. Thank you so much for watching.